दोस्तों, आपने सिरिंज पंप का नाम तो सुना ही होगा। सिरिंज पंप को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, और सिरिंज पंप की मदद से हम पेशेंट को एनएस, इंजेक्शन, फ्लूड्स प्रोवाइड कराते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो गाइस, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मेडुलेंस दिल्ली। आपको दिखाते हैं सिरिंज पंप के बारे में, कौन सी कंडीशन में हम किसको यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है हमारा, ये एक नोज़ होता है। हम इस नोज़ को अनलॉक करने के लिए और लॉक करने के लिए बाहर खींचते हैं, तो ये अनलॉक हो गया अभी। और लॉक करने के लिए क्या होता है, इसको हम राउंड करके, और ये अभी लॉक हो गया है। अभी इसको हम अनलॉक करते हैं, तो ये अनलॉक हो गया और ये लॉक हो गया। सेकेंड बात है हमारा प्लंजर। प्लंजर कभी भी हम इसको, जैसे कोई सिरिंज सेट करते हैं, तो ये भी इसे देखो स्पेशली देखना है कि हम इसको जब ओपन करते हैं तो ये भी ओपन हो गया दबाने से। अभी यहाँ से हम दबाते हैं इसको, तो ये ओपन हो जाता है और इसको हम अंदर बाहर कर सकते हैं, ये भी अंदर बाहर कर सकते हैं। जितना हमारा सिरिंज होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको अंदर बाहर करके एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारा एक नोज़ होता है, नोज़ को अनलॉक करने के लिए भी अनलॉक हो चुका है। और सेकंड पाता है प्लंजर। प्लंजर को हम, जैसे कि अभी दबा रखा है मैंने, तो अभी ये अनलॉक है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये लॉक हो गया। अभी ये कहीं यहाँ से नहीं हिलेगा ना कहीं जाएगा। तो स्पेशली ये दोनों चीज़ें बहुत मोस्टली कॉमन होती हैं सिरिंज सेट करने के लिए। तो अभी मैं सिरिंज सेट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी एक 60 ml की सिरिंज ले रखी है, तो सिरिंज में 60 ml, मैंने इसमें 40 ml फ्लूड एनएस कर रखा है, और 60 ml की मेरे पास सिरिंज है। मैं अब आपको इसमें कैसे इसको एडजस्ट करते हैं और कैसे फिट करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये नोज़ है, अभी इसको नोज़ को हम अनलॉक कर देते हैं। और अभी क्या करते हैं दोस्तों, अभी हम अपना प्लंजर को अकॉर्डिंग सिरिंज, इसके अकॉर्डिंग ही हमें सेट करना होता है कितना हमारा सिरिंज है कितना हमारा सिरिंज नहीं है। दोस्तों, इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले मोस्टली हमें इन दोनों कॉमन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये भी हमारा सेट हो चुका है इधर, इंसर्ट करने के लिए दोनों चीज़ें स्पेशली ध्यान रखना होता है। और प्लंजर के अकॉर्डिंग ये भी हमारा प्लंजर, अब ये हमारा सेट हो गया पूरा। सेट करने के लिए दोस्तों सबसे ईजी कॉमन होता है सेट, ये अभी हमारा यहाँ से इसको सेट करो, ये अभी सेट हो गया। और ये हमारा नोज को इधर लॉक कर दो, अभी इधर से भी लॉक है और यहाँ से भी लॉक है, दोनों जगह से लॉक हो चुका है। अभी आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखो, ये बटन है ऑन करने के लिए, ये आपको दिख ही रहा होगा। ये मैं अभी उसको ऑन कर देता हूँ। अभी क्या, ये हमारा सिरिंज पंप ऑन हो चुका है। एंड ऑन करने के देखो अकॉर्डिंग, अभी क्या हमें सबसे पहले देखो उसमें होता है रेट, रेट लिमिट और बॉल्स कितना कितना हमें किस तरीके से सेट करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं अभी दिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको। अभी क्या, मैं इसमें सेट करके आप दिखा देता हूँ एक डेमो मोड पर, कि मुझे अभी देखो हमारे पास में कोई पेशेंट नहीं है, तो फिर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सेट करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं सेट करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मेरा भी रेट मैं सेट करने जा रहा हूँ, तो मैं अभी 4.6 यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा 4.6 ml पर हावर्स, 4.6 ml पर आवर्स में जाने वाला फ्लूड है। अभी मैंने ये सेट कर दिया, फिर इसके बाद में मैं लिमिट में कितना सेट करता हूँ लिमिट में भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेरा रेट हो गया, अभी अभी मैंने रेट सेट कर दिया। अभी मैं लिमिट में क्या कितना टाइम सेट करता हूँ, जैसे कि मुझे अभी देना है लिमिट में, मानो मुझे 80 ml देना है। मैंने यहाँ पर 80 ml डाल दिया, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी ये 80 ml सेव हो गया है। अभी क्या, यहाँ पर हमारी दूसरी चीज़ तीसरे नंबर पर क्या आता है, लाइब्रेरी में हम ड्रग, क्या आप हमें इसको फ्लूड दे रहे हैं, इंसर्ट दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, कोई इंजेक्शन है, वो सब चीज़ें हम लाइब्रेरी में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैं पेशेंट को ब्लड देने वाला हूँ अभी, तो नीचे आने के बाद में स्क्रॉल करो बटन को, और ये 4th नंबर पर और 5th नंबर ब्लड है, ब्लड देते हैं, डिग्नीज है, कोई इंजेक्शन है, यूनिवर्सली नेवर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करती हैं। तो अभी मैं कोई ड्रग नहीं, कोई मैं अभी ओनली एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी लाइब्रेरी हो गई। सो गाइस, इसको मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में स्टार्ट बटन होता है, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो हमारी ये वर्क करना स्टार्ट करता है। अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये आपको देखो लाइट दिख रही होगी, ओनली अभी स्टार्ट हो चुका है ये दोस्तों, देखना। जितना ही यहाँ से मेरा इंसर्ट होता रहेगा, ये हमारी टाइमिंग और लिमिट चल रही है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर से हमारा फ्लूड स्टार्ट होना रेडी हो चुका है। और सेकंड मोड पे क्या आता है, हमारे जैसे स्टॉप करके हमें इसकी लिमिट चेंज करनी होती है, टाइमिंग चेंज करनी होती है, वो भी आप इसमें कर सकते हो। ना ही तो सिरिंज पंप को ऑफ करना है, आप स्टॉप कर सकते हो, स्टॉप हो चुका है अभी ये। स्टॉप करने के बाद में हमें क्या, इसकी थोड़ी रेट बढ़ानी है। मान लो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 5.6,
तो 5.6 के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर इस पे लिए 5.6 कर देता हूँ। जैसे अभी मैंने कर दिया 5.6, 5.6 हो चुका है ऑलरेडी। इसको सेव करके और यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ये फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो ये गाइस सबसे आसान तरीका होता है हमारा रेट सेट करने के लिए और लिमिट सेट करने के लिए और अपना सिरिंज पंप के जो भी ऑपरेट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के सिरिंज पंप होते हैं, सभी में एक सा नहीं होता है। सो गाइस हमारे जो सिरिंज पंप में है, स्क्रॉल करके हम इस बटन से ही पूरे अपना लिमिट रेट सब चीज़ों को ऑपरेट यहाँ से कर सकते हैं। हमारा स्टार्ट का बटन यहाँ देगा या स्टॉप और लिफ्ट यहाँ से है। और अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा बोलस। बोलस के लिए हमें क्या करना होता है, ना ही तो हमें कोई टाइमिंग सेट करनी, टाइमिंग सेट करने के लिए देखो उसमें सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं बोलस को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने बोलस पे यहाँ पर क्लिक किया है वो 2 सेकंड, अभी ये हमारा बोलस जा रहा है। देखो गाइस आपको दिख रहा होगा ये बोलस होने जा रहा है, ये हो गया। तो अभी मैं इसको स्टॉप करके छोड़ देता हूँ, ये हमारा बोलस के लिए होता है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट फिर से कर देता हूँ, ये हमारा सिरिंज पंप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है, इंजेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। गाइस हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड होने वाली है। सो गाइस अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस एक और वीडियो को लाइक करो, लाइक तो बनता ही है यार, इतनी मेहनत करते हैं आपको लाइक तो करना ही चाहिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।